सत्ता बदलने के बाद भी उत्तर प्रदेश के अधिकारियों और कर्मचारियों की मानसिकता पूर्ववर्ती सरकारों वाली है, तभी तो वो अपने क्रियाकलापों को नहीं बदल पा रहे हैं। बेसिक शिक्षा के स्कूलों पर सरकार काफी खर्चा कर रही है जिससे बच्चों का भविष्य बन सके। ताजा मामला हाथरस जिले की तहसील सादाबाद के विकासखंड सबोगी गाँव नगला रमजू के प्राथमिक विद्यालय का है, जहाँ माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं तो यही सोच करके उनके बच्चों का भविष्य संवर रहा है, लेकिन बर्तन साफ करते और स्कूल में झाड़ू लगाते नन्हे मुन्ने बच्चों को देखकर तो सब बेमानी ही लगता है। इस स्कूल में एक तो टीचर समय से नहीं आते और जब आते हैं तो आकर बच्चों से रसोई के बर्तनों की सफाई और झाड़ू लगाने का काम कराते हैं। स्कूली नन्हे मुन्ने बच्चों से ऐसा काम कराना सर्वदा अनुचित है। स्कूल के बच्चे यह बातें बता रहे हैं, अलबत्ता BSA का इस प्रकरण में कहना है कि ऐसा काम कराना गलत है, मामले की जाँच कराकर कार्रवाई की जाएगी। नाम क्या आपका? विकास। विकास। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? पांच। कौन सा स्कूल है, नाम क्या है स्कूल का? राम जी। तो अध्यापक नहीं आए अभी आपके? कितने बजे आते हैं? 9 बजे से स्कूल है, 9 बजे तक। नहीं, अब तो 9:30 बज रहा है। अभी 9 बजे आते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 3 में। कौन सा स्कूल है आपका? अच्छा, टीचर नहीं आए अभी आपके? अच्छा, बर्तनों की सफाई रोजाना आपको ही करनी पड़ती है, क्यों? आप क्यों करते हैं सफाई बर्तनों की? कोई करता नहीं। कोई नहीं करता, टीचर कराते हैं आपसे? क्या कहते हैं टीचर? अध्यापक क्या कहते हैं आपके? बर्तन मांज दिया करो, तो आपको रोजाना सफाई करनी पड़ती है इसी तरह। स्कूल में झाड़ू लगाना पड़ता है, वो भी करती है। वहाँ सुबह हम गए तो वहाँ अध्यापिका द्वारा, प्रधानाध्यापक द्वारा बच्चों से रसोई के बर्तन धुलवाई जा रही थी और विद्यालय में झाड़ू लगवाई जा रही थी। मैडम, ऐसा ही एक मामला महामोनी स्कूल का आया था, जहाँ बच्चों से घास कटवाई जा रही थी, सफाई करवाई जा रही थी और फील्ड साफ करवाया जा रहा था। आपने तब भी कहा था कि हम जांच करवाएंगे, कार्रवाई करेंगे, वहाँ भी आपने कोई कार्रवाई क्या की? महामोनी का प्रकरण था, आपने कहा था जांच करा के अध्यापक के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, लेकिन आज तक घास कटवाई जा रही थी, वहाँ तक भी आपने कार्रवाई नहीं की अभी।